अभी हम कुछ कैपेसिटेंस की और कैपेसिटेंस निकालते हैं, तो कुछ एग्जांपल्स लेते हैं। देर आर टू कंडक्टिंग स्फीयर्स ऑफ रेडियस ए हूज सेंटर्स आर सेपरेटेड बाय बी, बी इज वेरी ग्रेटर देन ए। फाइंड कैपेसिटेंस ऑफ द सिस्टम, तो पहला स्फीयर है, उसका रेडियस ए, दूसरा स्फीयर भी रेडियस ए, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी, और ये दिया हुआ है बी इज वेरी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे देखते हैं बी इज वेरी ग्रेटर देन ए का मतलब क्या आएगा। तो इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं। पहला कंडक्टर लेते हैं, इसमें चार्ज प्लस क्यू देते हैं, दूसरा कंडक्टर लेते हैं, इसमें चार्ज माइनस क्यू देते हैं, सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी, इसका रेडियस ए, इसका भी रेडियस ए। अब यहाँ पे देखते हैं अगर इसमें चार्ज प्लस क्यू देते हैं तो इस नेगेटिव की वजह से इधर ज्यादा प्लस आ जाएगा, इधर कम प्लस रहेगा, तो इसमें चार्ज नॉन यूनिफॉर्म रहेगा, यानी कि इंडक्शन का इफेक्ट आएगा। ये नेगेटिव चार्ज है, ये पॉजिटिव है, ये इधर नेगेटिव ज्यादा खींचेगा तो इधर नेगेटिव ज्यादा आएगा, उधर कम आएगा। तो ये पॉजिटिव नेगेटिव है, तो इसका मतलब इधर ज्यादा पॉजिटिव आएगा, इधर ज्यादा नेगेटिव आएगा, चार्जेस नॉन यूनिफॉर्म है। तो बी इज वेरी ग्रेटर देन ए का मतलब क्या है, इसकी वजह से यहाँ पे इंडक्टिव इफेक्ट बहुत कम आएगा, इसकी वजह से फोर्स ना के बराबर पड़ेगी, तो इस पर चार्ज यूनिफॉर्म मान सकते हैं। बी अगर ऐसे बहुत ज्यादा है तो इसकी वजह से इस पर कोई इफेक्ट नहीं आएगा क्योंकि बहुत दूरी पे है, इसकी वजह से फोर्स बहुत कम होगी। तो हम लिख सकते हैं बिकॉज बी इज वेरी ग्रेटर देन ए, चार्जेस कैन बी टेकन एज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो एक काम करते हैं, इसका पोटेंशियल बी वन ले लेते हैं, इसका पोटेंशियल बी टू ले लेते हैं। अब बी ए से ज्यादा दिया हुआ है पर बी दिया हुआ है, तो हमें क्या करना है, इसका पोटेंशियल निकालना है, इसका निकालना है। तो इनफाइनाइट की वजह से पोटेंशियल डिफरेंस इंटीग्रेट करके निकलेगा, स्फेरिकल सरफेस की वजह से पोटेंशियल बिना इंटीग्रेशन के भी निकल आता है अगर चार्जेस यूनिफॉर्म है। तो यहाँ पे सेंट्रल पोटेंशियल क्या आएगा, इसकी वजह से प्लस उसकी वजह से, तो पोटेंशियल ऑफ वन विल बी इक्वल टू क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन ए, इसकी अपनी वजह से प्लस उसकी वजह से, माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन बी। पोटेंशियल एट टू, इसकी अपनी वजह से माइनस क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन ए, प्लस इसकी वजह से क्यू बाई फोर पाई एप्सिलॉन बी। अब ध्यान से देखिएगा, v1 और v2 इक्वल अपोजिट है, v1 और v2 इक्वल अपोजिट है, तो v1 माइनस v2 इसका डबल हो जाएगा। तो यहाँ पे v1 माइनस v2 कितना आ जाएगा, ट्वाइस q बाई फोर पाई एप्सिलॉन वन बाई ए माइनस वन बाई बी। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आएगी, यहाँ पे कैपेसिटेंस कितनी आ जाएगी, q बाई v1 माइनस v2। तो इसको देखते हैं, ये टू कट के यहाँ पे टू आएगा, तो दिस विल कम इक्वल टू टू बाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए। तो ये रिजल्ट ध्यान से देखिएगा, स्फेरिकल कैपेसिटर का आता है। तो स्फेरिकल कैपेसिटर में अंदर के मेटल शेल का रेडियस ए होगा, बाहर के मेटल शेल का रेडियस बी होगा, तो कैपेसिटेंस आएगी फोर पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए। एक कनेक्टिंग स्फीयर यहाँ पे, एक कनेक्टिंग स्फीयर यहाँ पे, इनके बीच में सेपरेशन बी है, बी इज वेरी ग्रेटर देन ए। तो यहाँ पे कैपेसिटेंस का एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, टू पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए, टू पाई एप्सिलॉन ए बी बाई बी माइनस ए। इसके पीछे कारण क्या है, अंदर का पोटेंशियल था, बाहर का जीरो था, यहाँ पे इसका जितना पॉजिटिव है इतना नेगेटिव है, तो सेम चार्ज पे यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन डबल हो जा रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस का एक्सप्रेशन फिर से देखना डबल हो जा रहा है, इसलिए कैपेसिटेंस कितनी हो जा रही है, आधी। पोटेंशियल डिफरेंस आधा होगा तो कैपेसिटेंस डबल हो जाएगी, पोटेंशियल डिफरेंस डबल हो जाएगा तो कैपेसिटेंस आधी हो जाएगी। तो यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ गया, तो कैपेसिटेंस कितनी होगी, आधी होगी एक्सप्रेशन में, एक्चुअली में क्या होगा पता नहीं है, एक्सप्रेशन में दिख रहा है बढ़ गया। तो एक काम करते हैं, एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। टू लॉन्ग कंडक्टिंग
सिलेंडर्स ऑफ रेडियस ए हैव एक्सिस पैरेलल एंड सेपरेशन बिटवीन द एक्सिस इज बी बी इज वेरी ग्रेटर देन ए बी इज वेरी ग्रेटर देन ए. तो ये एक बहुत लंबा सिलेंडर है, ये एक बहुत लंबा सिलेंडर है, इसका रेडियस है ए. ये दूसरा बहुत लंबा सिलेंडर है, इसका रेडियस है ए. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस, एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस बी है, एक्सिस टू एक्सिस डिस्टेंस बी है. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस निकालनी है. तो अपन क्या करेंगे, मैं ये पूरा सॉल्व करके नहीं बताऊंगा, इसका मैं रिजल्ट लिख दूंगा, याद कैसे रखना है. एक पे चार्ज देंगे प्लस क्यू, एक पे कितना देंगे माइनस क्यू. सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस बी है, तो इसके अंदर इलेक्ट्रिक जीरो, इसके अंदर जीरो, क्योंकि दोनों बहुत दूर पे चार्जेस यूनिफॉर्म मान सकते हैं. तो हमें इलेक्ट्रिक यहाँ से यहाँ तक पोटेंशियल डिफरेंस निकालने, तो इलेक्ट्रिक इनके बीच में देखनी है. तो इस सारे चार्ज को एक्सपेक्ट डाल सकते हैं, उसको एक्सपेक्ट डाल सकते हैं, तो चार्ज पर लेंथ चाहिए. तो इसकी लेंथ लेंगे, इतने की लेंथ ले लेंगे. तो यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगा, यहाँ पे कैपेसिटेंस आएगी, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ, ध्यान रखना, कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ आ जाएगा पाई एप्सिलॉन ln b by e. ये रिजल्ट कहां से याद रखना है, अगर दोनों कोएक्शियल है, अगर दोनों कोएक्शियल है, दोनों सिलेंडर्स अगर कोएक्शियल है, तो कैपेसिटेंस पर यूनिट लेंथ है 2 pi epsilon ln b by e. ध्यान रखना दोनों स्फीयर्स कंसेंट्रिक है, तो कैपेसिटेंस कितनी है 4 pi epsilon ln b by e. दोनों ऑफ सेंटर है, सेंटर और सेपरेटेड बाय b, तो कितना हो जाएगा 2 pi epsilon. तो बिल्कुल उसी तरह से यहाँ से 2 हट जाएगा, वहाँ से भी 2 कम होगा, यहाँ से भी 2 कम होगा, तो कैपेसिटेंस तो लेनी आएगी इतनी पाई एप्सिलॉन बाय ln b by e. ये आपको प्रूव करके देखना है, इसमें प्लस लैम्डा लेना, इसमें माइनस लैम्डा लेना, इंटीग्रेट करना, आंसर ये आएगा, इंटीग्रेट करना आंसर ये आएगा.